किसानी संघर्ष विच शहादतां तां देखियां होणगियां पर इहो जिहा जिगरा किसे ने नहीं देखिया होएगा। किसानी संघर्ष दौरान पत्नी की मौत होने तो बाद अंतिम रस्मां निभाण तो बाद किसान फिर पिया दिल्ली संघर्ष नूं चाले। जी हाँ, खेती कानूनां नूं रद्द कराउण लई किसान वड्डी गिणती विच जिथे दिल्ली संघर्ष उत्ते डटे हुए हन अते किसानी संघर्ष दौरान हुण तक कई किसानां दी शहादत भी हो चुकी है अते कई किसानां दे परिवारिक मैंबरां दी मौत भी हो चुकी है, लेकिन इस दे बावजूद भी किसानी संघर्ष नूं पहल दे रहे हन। अजिहा ही एक किसान परिवार गुरदासपुर दे पिंड चिट्टी दा रहण वाला है। जी हाँ, किसान हरदेव सिंह चिट्टी जो शुरू तो ही किसानी संघर्ष विच डटिया होया है। किसानी संघर्ष दौरान ही उसकी पत्नी की मौत हो जाने तो बाद घर में अंतिम रस्मों को निभाते हुए अज बच्चों को अपने बुजुर्ग माता पिता को घर में इकलिया छड़ के एक बार फिर वो दिल्ली किसानी संघर्ष लई जान लई तैयार है, तैयार बर तैयार है। हरदेव सिंह का जिथे कहना है कि यह लड़ाई उसके परिवार नालों वध के जरूरी है। उत्थे जो इंसाफ टीवी की साड़ी टीम ने हरदेव सिंह चिट्टी और उसके परिवार नाल खास गलबात की, तो इस मौके पर हरदेव सिंह चिट्टी किसान ने कहा कि जो तो किसानी संघर्ष शुरू होया है उदों तो ही वह संघर्ष के नाल हैं। 25 नवंबर में जो वो सिंघू बार्डर से डटे हुए सन तो शाम को उन्होंने फोन आया कि उन्होंने धर्म पत्नी परमजीत कौर की मौत हो गई है। उस समय वापस आना बहुत औखा सी, लेकिन फिर जथेबंदियों के आगुआ तो मंजूरी लैके वह पिंड वापस आ गए और अपने फर्ज और अंतिम रस्मों निभा के वह फिर एक बार दिल्ली संघर्ष में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों ने उन्होंने रोकया ना ही ना जावो, उन्होंने बच्चों को समझाया कि यह लड़ाई किसी की नहीं है, पूरे पंजाब की होंदी है। उन्होंने मानना है कि उन्होंने जाना पैना है, हुण बच्चे मन गए हैं, इसलिए वह दिल्ली संघर्ष लई जा रहे हैं। मैं ये दसना चाहना आपके चैनल राही कि पहला आप 25 तरीक तो जगो चक टांडे तो बाकी इलाके चो संगत लाइ के मैं दिल्ली में रवाना होया 25 तरीक न, और 26 तरीक न साड़ी संगत ने संभू बैरियल तोड़िया बाकी संगतों के नाल, ते उस तो बाद असी दिल्ली पहुँच गए। 27 तरीक न जो दिल्ली आप कुंडली बैरियल से बैठ गए जाके उत्थे भी साड़ी जदों दे जद चली उन्होंने अथरू गैस के गोले पानी दछाड़ा साढ़े तो बहुत मारियां, पर शाम को जो आपो अपन गड्डिया के लागे जाके रात के सौन का प्रबंध कर रहे थे, मेरे घर तो मेरी बेटी का फोन चला गया कि पापा मम्मा की मौत हो गई है। आप सारे किसानों नहीं दसिया, अपनी जथेबंदियों को तीन गड्डियों दसिया, वो तीन गड्डिया मेरे नाल रात आ गई ने। तो उस दिन तो लैके आप घर के विचरते रहे हैं, और टोल प्लाजा से साडा धरना चलता, मैं उत्थे भी चलता रहा अपना काम। पर अज मैं ये दसना चाहना कि 2-3 दिन तो मैं अपने परिवार ना सहमति कर रहा सा, अपनी बेटी ना अपनी माता जी ना, कि आप संघर्ष के जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर के काम तो घर तो एक है, और आप की हरियाणे की देश की लड़ाई लड़ने शामिल होना साडा बहुत जरूरी है। और मेरी बेटी ने और मेरी माता जी ने कहा कि असी घर का काम सामभ के तुम जाओ। मैं जगो चक टांडे के और तरंगले साइड तो पीर गल की, कहते भी आप प्रोग्राम बना लिया चलते हैं, और इतने टांडे पिंड तो भी मैं बहुत वधिया सहयोग मिले। अच्छ इतों 6-7 गड्डिया लेके मैं दिल्ली में रवाना हो रहा, जिहड़ा 6-7 दिन का आप प्रोग्राम बना के चलें, क्योंकि असी 7-7 दिन का प्रोग्राम बनाया कि गन्ने की खेती इतनी चलती है, 7 दिन असी अपना काम करांगे उत्थे, और 7 दिनों के बाद इतने दोबारा इतों टीम साड़ी दोबारा जाऊगी तो ये उतों वापस आ जाएगी। देखो जी, किसानी तो बगैर साडा कोई इतने जीना नहीं, कहिंदे भी जे जीना तो अणख के नाल जीना, तो साड़ी एक अणख जिहड़ी है किसानी है, किसानी तो ही सानू रोटी मिलती है, साडे कोई नौकरियां नहीं हैगियां। मैं पहला दस चुका साड़ी कल्ली गन्ने की खेती है, यह लड़ाई एक साड़ी अणख का सवाल बन चुकी है जी। मैं एक छोटी जी आप जी के चैनल राही दसना चाहना कि यह सारे लोग सोशल मीडिया से वख-वख तरह दी खबरां सुनते हैं और नैट चलाते हैं, ये एक नैट से खबर कढ़ाल ने 1907 के अजीत सिंह भगत सिंह का चाचा वो वलों पगड़ी संभाल चिट्टा लहर थले जो संघर्ष लड़िया गया सी, उदों अंग्रेज सरकार भी 3 काले कानून किसानों वास्ते लैके आई सी, और 9 महीने बाद अंग्रेजों ने वो कानून वापस लिया। शायद मोदी भी साड़ी परख कर रहा कि किन्ना चिर बैठणगे, जिन्ना चिर बैठना पेगा आपां बैठांगे, पर आ एक कानून जिहड़े वापस करा के रखणगे। असीं उत्थे पापा नूं भेज रहे हैं, असीं बहुत खुशी खुशी भेज रहे हैं, ते असीं ये भी कह रहे हैं कि जित हासिल करके ही आयो, असीं तुहाडे मगरों सारा काम सांभांगे, वो भावें पैली दा होएगा भावें घर दा, असीं सारा सांभांगे। उस तो बाद बहुत औखा हो गया साढ़े लिए सामना अपने आप में भी, तो पापा भी बहुत काफ़ी बीमार हो गए। उस तो बाद
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਚੌਹਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਾਪਾ ਗਏ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਵਾਪਸ ਲੋਟਣਗੇ ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੋਸਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।